वेलकम एवरी वन मैं हूँ प्रतीक्षा आप सभी का माई गर्ल फ्रेंड इज एन एलियन के लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ इस चैनल पे हम लोगों ने काफी सारी सीरीज एक्सप्लेन की है जो कि आप लोगों की फेवरेट है जैसे कि मनी हाइस्ट लूसीफर और इसी के साथ में बहुत सारी फेमस सीरीज तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है की अगर अब तक आप लोगों ने उन सीरीज को एंजॉय नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाइएगा और उन सारी सीरीज को एंजॉय करिएगा क्यूँकी हितेश नाकर जो की मेरे ब्रदर है और मैं हम दोनों आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए इतनी अच्छी अच्छी सीरीजों को आपके लिए लेकर आते हैं जिसके बदले हम सभी लोगो को काफी सारे क्लेम का सामना करना पड़ता है गाइज अगर आप लोगो को कुछ एपिसोड मिसिंग दिख रहे हैं दैट हमें उन कॉपी राइट क्लेम मिले हैं जिसके कारण वो एपिसोड अभी चैनल ऐसी गायब हो चुके हैं तो गाइज इतनी सारी मेहनत करने के बाद अगर आप इस मेहनत को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो गाइज हो सकता है हमें थोड़ा सा बुरा लगे तो गाइज हम आप सभी लोगों से बस इतना ही चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को जरूर देखिए और हमें थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करिए ताकि हम आप लोगों के लिए सारी वेब सीरीज वीडियो क्लिप्स के साथ मिला सके माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के अब तक ट्वेंटी एपिसोड है जिसके ट्वेंटी एपिसोड मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और ये सभी आपको मेरे माई गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के प्ले में मिल जाएंगे आज पा रही है सीरीज के आखिरी एपिसोड की जहाँ पे मैं आपको इस पूरी सीरीज का ब्रीफ बता देती हूँ की फैंगलैंग एक जो की बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है उसे एक दूसरे यूनिवर्स से आई हुई एलियन मिल जाती है जो कि आखिर में उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी अब एलियन को वापस से अपने यूनिवर्स में जाना था फैंगलैंग को भी जायुकी के बारे में में पता चल चुका है कि वो एक एलियन है जायोकी अब चाहती थी कि वो फैंगलैंग के साथ में हर एक मूवमेंट एंजॉय करे इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर शुरू होता है फैंगलैंग जयोकी के लिए कुक करना चाहता था इसी कारण और फैंगलैंग दोनों किचन में खड़े थे फैंगलैंग अच्छा अच्छा खाना बना रहा था लेकिन जायोकि यहाँ पे फायर एक्सटेंड्यूशन लेके खड़ी थी फैंगलैंग पूछता है की आखिर तुमने ये क्यूँ लिया है अपने हाथ में तो जायोकी बताती है की क्या तुम्हे याद है हमारा पहला दिन जिस दिन हम मिले थे और यहाँ पे आग लग गई थी मैं नहीं चाहती की यहाँ पे वापस वही सीन हो जाए इसी कारण मैं अपने साथ लेके खड़ी हूँ जहाँ फैंगलैंग ये बात सुन के अच्छा खासा स्माइल करता है और हंसता है और जायोकी को कहता है कि तुम्हें कुक करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे लिए मैं हमेशा कुक करूंगा जायोकी अब इतने अच्छे बने हुए खाने को बस जल्द ही से खाना चाहती थी लेकिन जायोकी के वीक होने के कारण क्योंकि वो खाना डाइजेस्ट नहीं कर सकती थी इसी कारण फैंगलैंग उसे मना कर देता है इसी कारण फैंगलैंग ने जायोकी के लिए एक अच्छी खासी स्पेशल ड्रिंक बनाई थी इसी के साथ फैंगलैंग जायोकी को ये भी कहता है कि अगर तुम मेरे हाथ का बनाया हुआ सारा खाना खाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे पास जल्दी से आना पड़ेगा जायोकी कहती है कि मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा और मुझे यहाँ आने का मौका मिलेगा तो मैं फटाफट से अर्थ पे आ जाऊंगी इसी कारण वो फैंगलिंग से प्रॉमिस भी कर देती है यहाँ हम देखते है कि जायो की जायोकी को सी ऑफ करने के लिए अब सभी लोग आए थे यानी कि मिस चाय इसी के साथ में डॉक्टर और इसी के साथ में फैंगली भी आया था यहाँ पे हम देखते है की मिस चाय डॉक्टर के साथ में बातें कर रही थी और इन दोनों की भी अलग ही एक स्टोरी चल रही थी मिस चाय यहाँ पे डॉक्टर ऐसी कहती है की मुझे हमेशा ऐसी जायोकी कुछ डिफरेंट लगा करती है वो कहती है की मैं यहाँ ऐसी नहीं हूँ यहाँ पे मिस चाय डॉक्टर ऐसी ये भी कहती है की उसकी हरकतें और उसके घर जाने की बातों से तो लगता है कि वो कोई दूसरे प्लेनेट से है और असलियत के अंदर एलियन है क्या आपको इस बारे में कुछ पता है तो डॉक्टर कहते हैं कि नहीं मुझे इस बारे में तो कुछ नहीं पता लेकिन एक बात तो है की जायोकी बहुत स्पेशल लड़की है आज फैंगलैंग जिस भी कंडीशन में है वो सब कुछ जायोकी के कारण ही हुआ है जायोकी अगर एफर्ट्स नहीं करती तो शायद फैंगलैंग की बीमारी कभी ठीक नहीं होती यहाँ फैंगली जायोकी की हेल्प करता है और सारे खाने को टेबल पे सर्व करता है सभी मिल एक साथ खाना खाने लगते है और जायो की इन मूवमेंट्स को कैप्चर करने लगती है यानी की पिक्चर्स क्लिक करती है और इसे के साथ सोशल मीडिया पे अपलोड भी करती है तो फैंगलैंग पहले जयोकी को मना कर देता है लेकिन जायोकी के गुस्सा होने के कारण अब भी इन्हीं चीजों में बढ़ जाता है सीधा को पास लाता है 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 उसे किस करता है। और वही फोटो अपलोड कर देता जिससे बड़ी खुश हो जाती है जिसके बाद में मिस चाय और डॉक्टर कहते कि क्या तुम्हें यही टाइम मिला है तुम दोनों रोमांटिक कपल को कहीं और जाके ये सब करना चाहिए यहाँ पे मिस चाय बड़ी खुश हो जाती है क्यूँकी वो फैंगलैंग की फ्रेंड लिस्ट में आ चुकी थी और अब फैंगलिंग ने खुद के अकाउंट पे भी ये पिक्चर पोस्ट कर दी थी ये सभी मिलकर बहुत अच्छे से खाना इंजॉय करते हैं लेकिन इंजॉय करने के साथ में फैंगली ने अच्छी खासी ड्रिंक भी कर ली थी जो कि को कहता है की अब तुम क्यूँ जा रही हो तुम हमें कभी मत जाना देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट भी लेके आने वाला हूँ यहाँ जाने से पहले फैंगली जायोकी से मिल जाना चाहता था जायोकी यहाँ पे फैंगली को एक गुड बाय गिफ्ट देती है जो कि यूनिवर्स की एक ड्राइंग बुक थी जिसके अंदर अलग अलग यूनिवर्स की बहुत अच्छी पेंटिंग थी ये चीज देख के तो फैंगली इमोशनल हो जाता और कहता है कि आज तक मेरे लिए इतना अच्छा काम किसी ने नहीं किया मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया और इतने नशे में होने के कारण वो सीधा जायोकी से जाके गले लग जाता है यहाँ फैंगलैंग अपने भाई फैंगली को जायोकी के ऊपर ऐसा गिरा हुआ देखता है तो उसे सीधा यहाँ से जाने के लिए बोलता है और इसी के साथ डॉक्टर को भी कहता है की फैंगली को यहाँ से जल्द ही ले जाओ डॉक्टर यहाँ से फैंगली अपने साथ ले जाते हैं अब फैंगलैंग का टाइम था जायोकी के साथ स्पेंड करने का इसी कारण फैंगलैंग जायोकी को गोद में उठाता है और अपने साथ ही ले जाता है लेकिन जब फैंगलैंग जायोकी को गाड़ी में बिठाता है तो जायोकी नींद आने के कारण वही सो जाती है फैंगलैंग उसे गोद में उठा के कमरे में ले आता है और उसे सुला देता है और उसके पास आके ही बैठ जाता है फेंगलैंग को ये डर था कि कहीं जायो की रात में ही ना चली जाए इसी कारण वो अपने हाथ को जायो की के हाथ से लॉक कर देता है और पूरा हाथ भी बांध देता है यहाँ पे अब उल्टा फैंगलैंग को नाइटमेर आने लगते है और ऐसे नाइटमेयर के फैंगलैंग जोर जोर से चिल्लाने लगता है इसी कारण जायो की नींद से उठ जाती है और सीधा फैंगलैंग को हक करती है और उसे अपने पास में बुला के सुला देती है अगली सुबह होती है तो ये दोनों ही एक दूसरे के सामने आके खोलते हैं यहाँ जायो की फैंगलैंग से कहती है कि क्या मैं तुम्हारे पास ही रुक सकती हूँ तो फैंगलैंग कहता है कि नहीं तुम्हें अब वापस से तुम्हारे प्लेनेट पे ही जाना होगा चलो अब तुम मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाता हूँ के साथ में ड्रिंक्स भी लेके आता हूँ फैंगलैंग वहाँ से जाने लगता है तो जायो की पीछे से आके हक हाँ कर लेती है और जायो की नहीं चाहती थी की फैंगलैंग उसे छोड़ के कहीं भी जाए यहाँ पे जायो की फैंगलैंग को कहती है की मैं कभी तुमसे झगड़ा नहीं करूंगी तुम्हारी सारी बातें मानूंगी लेकिन तुम मुझे अपने से दूर मत करो लेकिन फैंगलैंग ये सारी बातें हंस के सुनता रहता है और उसे अपने पास ही रखता है देखते ही देखते यहाँ पे हॉल के अंदर आवाज आने लगती है जायो की बुरी तरीके से डर जाती है उसे लगता है कि स्पेसशिप आ चुकी है उसे ले जाने के लिए लेकिन ये असल में स्पेसशिप नहीं बल्कि फैंगली था फैंगली को कुछ समझ नहीं आया कि वो जायुकी के लिए क्या गिफ्ट लेके आए इसी कारण वो जायोकी के लिए ढेर सारे बलून ले आता है और जायोकी को यही गिफ्ट में देता है यहाँ फैंगलिंग को समझ नहीं आता की वो आखिर अपने भाई फैंगली को क्या बोले उसे यहाँ पहली बात तो आना नहीं चाहिए था और आता तो कोई अच्छी चीज लेकर आता इसी कारण फैंगलिंग गुस्सा भी हो रहा था और इसी के साथ में हंस भी रहा था तो आखिर बलून कौन किसी को गिफ्ट करता है जिसके बाद फैंगलिंग अब सीधा सिक्योरिटी गार्ड्स को कॉल करता है और उन्हें कॉल करता है कि जल्दी एक पागल खाने के लिए टैक्सी बुलाओ टैक्सी आने के बाद में टैक्सी ड्राइवर को फैंगलिंग कहता है कि सीधा इस लड़के को मेंटल हॉस्पिटल छोड़ के आना उसे एक सेकंड भी कहीं मत रोकना फैंगली के जाने के बाद में अब फैंगलैंग जायोकी के पास में ही खड़ा था जायोकी बड़ी खुश हो रही थी फैंगली के इन को देख के इसी के साथ में जायोकी भी कहती है जयो की कहा था ना की तुम मेरे साथ कहाँ रहना चाहते हो तो मैं बस तुम्हें यही कहूंगी की जहाँ तुम रहोगे मैं ही वहाँ रहूंगी ना तो मैं अपने यूनिवर्स में रहना चाहती हूँ ना ही मैं अर्थ पे मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ यहाँ फैंगलैंग और जायोकी के बीच में फिर से अच्छे अच्छे मूवमेंट्स होने लगते हैं इसी कारण वो जायोकी को जोर से पकड़ के किस कर देता है यहाँ दूसरी तरफ फैंगली ड्राइवर से डरता है और कहता है कि प्लीज मेरी मॉम से बात करो मैं कोई मेंटल वेंटल नहीं हूँ मुझे बस अपने घर छोड़ो यहाँ पे फैंगली की मॉम फैंगली के ऊपर बहुत गुस्सा करती है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हारे कारण हमने इतना कुछ किया तुम्हारे अंकल ने इतनी सारी चीजें की और तुम्हें उन चीजों की कोई परवाह नहीं है तुम बस घर आओ जल्दी फैंगली की मॉम को यह भी पता चलता है की फैंगली ने सारी कंपनी वापस ऐसी फैंगलिन के नाम कर दी है सारी चीजें जो की इतनी मुश्किल ऐसी फैंगली के नाम की गयी थी वो सारी चीजें फैंगली ने ठुकरा दी है यहाँ फैंगली अपने जब घर जाता है तो वो अपनी मॉम को कहता है कि मैं भाई की बराबरी कभी नहीं कर सकता हूँ वो हमेशा ही मुझसे ऊपर रहे हैं मैं उनसे इन चीजों को लेकर कभी चैलेंस भी होता हूँ लेकिन उनसे अच्छा कंपनी को कोई नहीं संभाल सकता है उन्होंने हमेशा मेरी मदद की है इवन जब मेरा काम प्रोजेक्ट करने का था तब भी उन्होंने मेरी मदद की वो कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहता है बल्कि वो अब खुद के पैशन को फॉलो करेगा वो बाहर जाएगा अपनी पेंटिंग सीखने के लिए फैंगली कहता है की बहुत हो गया जब तक मैं आपकी सुन रहा था अब मैं सच में खुद की सुनना चाहता हूँ और मैं अपने पैशन को फॉलो करूंगा और खुल के जीना चाहूंगा और इस फाइनल एपिसोड के अंदर हमें फैंगली की मॉम भी समझी हुई दिखाई दी जहाँ पे फैंगली की मॉम फैंगली को नहीं रोकती है और उसे अपना पैशन फॉलो करने के लिए जाने देती है यहाँ दूसरी तरफ हम फैंगलैंग को देखते हैं जो कि की, को अपने साथ की आया था शॉपिंग करने के लिए जायोकी कहती है की मैं अपने साथ इतना सारा सामान कैसे लेके जाऊंगी तो वही फैंगलैंग को डायमंड शॉप भी दिख जाती है इसी कारण फैंगलैंग असिस्टेंट हान को कॉल करता है और एक पूरी डायमंड शॉप को खरीद लेता है और बोलता है कि जितने भी डायमंड है सारे खरीद लो मैं ये सारी चीजें सहयोगी को दूंगा जायो की कहती है की अरे इतना खर्चा मत करो इन सब चीजों की बिल्कुल जरूरत नहीं है फैंगलिंग कहता है की अरे तुम अगर अभी अपने यूनिवर्स में जाओगी तो वहाँ दिखाओगी तो सही ना की तुम आखिर पे थी थी और किसके साथ में थी। ये दोनों काफी करने लगते हैं हैं जिसके बाद ये लोग एक क्लोज सेक्शन में जाते हैं। वहां से का दो चार ड्रेसेस निकालता है तो जायो की कहती है कि अरे बहुत हो गया इतनी ड्रेसेस काफी है तो फैंगलिंग कहता है इन दोनों तीनों ड्रेसेस को छोड़ के बाकी पूरी शॉप को पैक कर दो इतने बड़े कस्टमर को देख के यहाँ की लड़कियाँ थोड़ी सी शॉक में हो जाती है की आखिर ये कौन है इतना अमीर इंसान जो की इस लड़की के लिए सारे कपड़े ले रहा है इसी कारण फैंगलैंग को इम्प्रेस करने के लिए वहाँ की रिसेप्शन गर्ल आगे बढ़ती है और फैंगलैन से फ्लर्ट करने की कोशिश करती है ये चीज देख के तो जायो की भड़क जाती है और उस लड़के को कहती है की जाओ अपना काम करो मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदना और इतना स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो फैंगलैंग ये सारी चीजें देख के बड़ा जोर से हंसता है की जायोकी को भी चले सी होती है और वही से अपने साथ जायो की को लेके बाहर आ जाता है ये दोनों कुछ देर अभी बातें कर ही रहे थे की तभी एकदम से सारा टाइम फ्रीज हो जाता है उसी टाइम फैंगलैंग को समझ आ जाता है कि जायो की जायुकी से ऐसी जाने वाली है जैसे ही मूवमेंट वापस से चालू होता है कि तभी फैंगलैंग जायोकी के पास में नहीं थी फैंगलैंग वही जमीन पे बैठ जाता है सारे गिफ्ट लेके और जोर जोर से रोने लगता है क्योंकि जायोकी उसे छोड़ के जा चुकी थी अपने प्लेनेट में फैंगलैंग ना उसे रोक पाता है ना उसे आखिरी गुड बाय कर पाता है गाइस सच में ये सीन इतना ज्यादा इमोशनल था कि इस सीन को देख के तो मेरे भी आंसू निकल गए थे तो याद आने लगती है कि कैसे जायोकी कह के गई थी कि अगर उसके एब्सेंस के अंदर वो लड़कियों को ज्यादा पसंद करेगा या फिर फ्लर्ट करेगा तो ऊपर से जायोकी उसको कर्ज देगी यानी की फैंगलैंग के साथ में कुछ भी हो सकता है यहाँ फैंगलैंग पूछता है की तुम आखिर वापस कब आओगी और अगर काफी देर हो गई तुम ना आओ तो मैं क्या करूँ तो जायोकी बोलती है की अगर बहुत टाइम हो जाए और मैं न आऊ तब तुम किसी को डेट कर सकते हो अब जायोकी को गए हुए पूरे दो साल हो चुके थे फैंगलैंग ने वापस से अपनी पोजीशन संभाल ली पूरी कंपनी को अच्छी तरीके से हैंडल कर रहा था वो और इसी के साथ में अब नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करता है उसका नया प्रोजेक्ट एक सेंट टी थी जो कि जायोकी को काफी ज्यादा पसंद थी इसी कारण फैंगलैंग उस प्रोडक्ट का लोगो बनाने के लिए फैंगली की मदद लेता है यहाँ अब तक भी नहीं होता जब को याद नहीं करता और उसे बीत चुका था जब फैंगलिंग के प्रोडक्ट काफी अच्छे खासे सक्सेसफुल हो चुके थे इसी कारण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जहाँ पे फैंगलैंग से उसके लास्ट अफेयर्स के बारे में पूछा जाता है और साथ ये भी कहा जाता है कि दो साल हो गए लेकिन अब तक आपने किसी लड़की को डेट नहीं किया हमें पता चला है कि लास्ट लड़की एक डिलीवरी गर्ल थी लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं पता चला यहाँ फेंगलिंग बताता है कि मेरा मेरी गर्लफ्रेंड के साथ में ब्रेकअप हो गया है उसके बाद में मैंने किसी को डेट नहीं किया है तो रिपोर्टर यहाँ फेंगलिंग से बोलती है कि क्या आप अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए ही इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं जिसके बाद में फेंगलिंग उन रिपोर्टर्स को कहता है मैंने ऐसा ही किया है इसी के साथ में फेंगलिंग एक रिपोर्टर ऐसी पूछता भी है की तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम मेरे साथ डेट करोगी तभी सारे के सारे रिपोर्टर्स की नजरे उस एक रिपोर्टर आरोप जाती है की आखिर इस लड़की में ऐसा क्या है जो फेंगलिंग ने उसे प्रपोज किया जिसके बाद फेंगलिंग की यही न्यूज हर जगह छप जाती है की फेंगलिंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लड़की के साथ अच्छा खासा फ्लर्ट किया यहाँ हान फेंगलिंग ऐसी बैठ के पूछते हैं क्या उन्हें कोई एक्शन लेना चाहिए क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सारी चीजों को रुकवा दे तो फेंगलिंग मना कर देता है है और कहता है कि ये तो मैंने जान करके किया है कि शायद मुझे कोई याद कर ले कि तभी से की तभी ऊपर ऐसी बादल गरजने की आवाजें आती है और फेंगलिंग समझ जाता है की उसकी ये सारी चीजें कोई ऊपर ऐसी देख रहा है जिसके बाद फेंगली आता है फेंगलिंग से मिलने के लिए क्योंकि फेंगली ने न्यूज सुनी थी की फेंगलिंग किसी लड़की को डेट करने वाला है फेंगली गुस्से में आता और को कहता है तुम जायो को इतना जल्दी भूल गए उसका सारा प्यार भूल गए यहाँ फैंगली फैंग से बस ऐसे ही कहता है कि मैंने तो यूं ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी अपने प्रोडक्ट लॉन्च के के लिए लिए जिसके जिसके बाद हम देखते हैं कि फैंगली उस परफ्यूमर से मिलने जाता है पास में ने काफी टाइम बिताया था और इन लोगों ने मिलकर बनाया था यहाँ फैंगलैंग जब परफ्यूम मास्टर से बात कर रहा था तो फैंगलैंग के पास फैंगली का कॉल आया और वो कहता है की भाई मैं आपको इतना अकेला नहीं देख सकता हूँ अब आखिर जायोकी को भी गए हुए दो साल हो गए हैं तो मैंने आपके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज की है आप एक बार बस उससे मिल लीजिएगा यहाँ फैंगलेग इस बात के लिए हाँ कर देता है यानी कि लड़की से मिल लेता है क्योंकि वो एक ब्लाइंड डेट थी तो फैंगली कहता है कि तुम्हें जायोकी का डर नहीं रहा या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जायोकी को क्या लगेगा या फिर बुरा लगेगा तो फैंगलैंग बोलता है कि मैं ये जान करके कर रहा हूँ लड़की के साथ देखिए वो जेलस हो जाए और फिर वो वापस यहाँ पे आ जाए यहाँ पे फैंगलैंग अकेले ही बहुत बड़े फील्ड के अंदर खड़ा था क्यूँकी परफ्यूम मास्टर ने एक अच्छी खासी जगह दे दी थी फैंगलैंग को तभी यहाँ बारिश होने लगती है और फैंगलैंग कहता है की मुझे अच्छी तरीके से पता है जायोकी अब तुम गुस्से करोगी लेकिन इसी गुस्से से अच्छा होगा कि तुम मेरे पास आ जाओ तभी फैंगलैंग फैंगली की भेजी हुई ब्लाइंड डेट को देखता है और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि जायोकी होती है यहाँ हम देखते हैं कि इन दोनों की पिक्चर्स हो रही है फैंगलैंग जायोकी को देख के इतना ज्यादा खुश होता है जिसकी कोई हद ही नहीं होती यहाँ हम देखते हैं की फैंगली पे इन पिक्चर्स को देख के खुश हो रहा था लेकिन तभी फैंगली ऐसी मिलने के लिए एक लड़की आई होती है यहाँ पे फैंगली का फोन जिस लड़की ने लिया था वो और कोई नहीं बल्कि जियांग शू थी जो की फैंगली को कहती है की तुम्हें पब्लिक प्लेस पे इतनी जोर जोर से नहीं चिल्लाना चाहिए यहाँ सीन वापस से फैंगलिंग और जायो की पर शिफ्ट हो जाता है जहाँ फैंगलिंग को बिलीव ही नहीं होता कि उसके पास जायो की वापस लौट आई है जायो की बिलीव दिलाने के लिए को वापस किस करती है कहता है की ओ माई गॉड अब तो ऐसा लग रहा है की मैं ड्रीम में ही हूँ जहाँ पे जायो की बोलती है की चलो तो फिर मैं तुम्हें मेरी आई डी दिखाती हूँ की यहाँ पे खुद के प्लान की आई दिखाती है जो की एक रिप्रेजेंटेटिव की थी यानी की एलियन की दूसरे यूनिवर्स ने अर्थ पे एज ए रिप्रेजेंटेटिव के लिए जायोकी को भेजा था और वो भी हमेशा हमेशा के लिए जिसके बाद फैंगलिंग जायोगी को वेलकम होम करता है और जायोगी कहती है कि मैंने कहा था ना कि तुम जहाँ भी रहोगे मैं हमेशा बस वहीं रहूंगी जिसके बाद ये दोनों फिर से अपना अच्छा मोमेंट शेयर करते हैं यानी कि किस करते हैं और माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन का लास्ट एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है यानी कि एक बहुत ही प्यारी एंडिंग जहाँ पे फ्रेंगलैंड को ये भी पता चल जाता है कि उसकी की उसकी गर्लफ्रेंड यानी की जायोकी एक एलियन है और आखिर में ठीक हो की जायोकी अपने यूनिवर्स ऐसी अर्थ पे पहुँच चुकी थी वो भी हमेशा हमेशा के लिए तो गाइज आपको ये पूरी सीरीज कैसी लगी मुझे जरूर बताइए क्योंकि ये काफी फनी इमोशनल रोमांटिक और खूब सारे ड्रामे से भरी हुई सीरीज थी जो कि पर्सनली मुझे भी अच्छी लगी है तो अब आप सभी लोगों को बस एक काम करना है जल्दी जल्दी से कमेंट करना है कि अगली सीरीज आप कौन सी देखना चाहते हैं। कमेंट करने में बिल्कुल भी कमी मत छोड़िएगा और फाइनली हम डिसाइड करेंगे की नेक्स्ट सीरीज हम लोग कौन सी लेकर आए तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगो ऐसी अगली सीरीज में तब तक, तक के लिए